ठीक है, देखिए ये यहाँ पे एक आपका व्हाइट कलर का एसी इन का सॉकेट लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक फ्यूज लगा हुआ है ये, और एक यहाँ पे थर्मिस्टर लगा हुआ है आपका, ठीक है। फ्यूज क्या करेगा, हाई एम्पेयर से प्रोटेक्शन करेगा, और ये न्यूट्रल को प्रोटेक्ट कर रहा है, न्यूट्रल ट्रैक को। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे पीले कलर का ये डिस्टॉर्शन कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये लाइट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको डाउन करेगा। इसके बाद यहाँ पे एक आरएफ कॉइल लगी है, जिसको मैन चौक कॉइल, आरएफ कॉइल दोनों नाम से जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक और पतला सा यहाँ पे इसकी तरह लगा हुआ है, एक हल्का भारी है और एक पतला सा लगा हुआ है पीटीसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक आरएफ कॉइल से पहले लगाया और एक आरएफ कॉइल के बाद लगा हुआ है, जैसे हमने सर्किट में आपको समझाया। तो ये फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, कम करेगा, फ्रिक्वेंसी को कम करने का काम करेगी कॉइल, और ये आपके वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक एसी को फिल्टर किया जा रहा है, एसी को कंट्रोल किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको ये ब्रिज, ठीक है, चार पिन का, दो पिन ऊपर और दो पिन नीचे। तो ये ब्रिज है, आप क्लियर करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, यही ये वाला, ठीक है, ये ब्रिज है आपका, और यहाँ से ये कंपोनेंट ऐसे चलते हुए ब्रिज पे क्या आएगी, यहाँ पे एसी आ जाएगी, और यहाँ से डीसी निकल के कैपेसिटर पे पहुँच जाएगी, और कैपेसिटर से जो मॉसफेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं सर्किट में, जैसे आपको समझाया थ्योरी में, ये एक मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है, और इस मॉसफेट से सप्लाई जो इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी से होते हुए, पॉजिटिव से होते हुए डीसी को एसी में बनाने की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। और इसके बाद यहाँ पे जो आपको बोला है कि रिजल्ट देखने को मिलेगा, देखो आईसी लगी हुई है यहाँ पे, छोटी सी आईसी है, आप देख सकते हैं यहाँ, और ये ऑप्टोकॉपलर है जो फीडबैक के लिए, और ये आईसी जो 6 पिन की लगी हुई है जो मॉसफेट के गेट को चलाने का काम करने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे एक बड़ा डायोड, एक छोटा डायोड मिला है आपको देखने के लिए। तो ये बड़ा वाला डायोड है, ये बैकलाइट वाले सेक्शन को संभालेगा, और छोटा वाला डायोड है जो बोर्ड के सेक्शन को संभालने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो ये एसी इनका आप देखो लाइव और न्यूट्रल यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइव और न्यूट्रल, ठीक है। तो लाइव से अब जब चलेंगे तो यहाँ पे फ्यूज मिलेगा जो कि बीप दे रहा है, जैसा कि हमने कहा था कि बीप आए तो ठीक है। अब यहाँ से ये आपको ट्रैक निकल के सीधा इधर आ रहा है, आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आया ये ट्रैक, यानी ये ट्रैक आप देखेंगे ऐसे घूमते हुए इधर आ गया। अब इधर आप पलट के देखोगे तो क्या लगा हुआ है, फ्यूज से आरएफ कॉइल, ठीक है। अब आरएफ कॉइल को आपको चेक करना है, आमने सामने की पिन है, ऐसे आमने सामने की पिन आ रही है तो ठीक है, अगर इधर आप चेक करेंगे ठीक है। तो अगर आमने सामने की पिन है, ये बीप देंगी तो आरएफ कॉइल ठीक है, अगर बीप नहीं देंगी तो आरएफ कॉइल खराब है। तो यहाँ से आप देखेंगे सीधा यहाँ तक आप पहुँच जाओगे ये, ठीक। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद इसके बाद आपको ये दूसरा वाला ट्रैक पकड़ना है, ये आपकी थर्मिस्टर हो गया, और यहाँ से यहाँ पे एक पीटीसी लगा हुआ है जो आपको बताया था, मोटे वाला जो पीटीसी है, और यहाँ से होते हुए ये आपकी लाइन इधर, और एक पतली पीटीसी ये आ गया आपका, ठीक है। यानी यहाँ तक लाइन अगर ओके है तो बीप आ जाएगी आपकी। और इसके बाद आप देखेंगे पलट के तो एसी के लिए डायोड लगेंगे डीसी में करने के लिए, ये वाले डायोड, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सीधे ही देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रखते हैं तो देखेंगे आप बीप आ रही है, ठीक है। अब ऐसे ही आप दूसरा पॉइंट यहाँ रखेंगे, बीप आ रही है, तो एसी का इनपुट इधर हो रहा है और डीसी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब कैपेसिटर में आप देखोगे ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए कि इस कैपेसिटर पे कहाँ से कौन सी पिन अटैच है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखो नेगेटिव से जो बीप देगी वो नेगेटिव है, बीप रेगुलर बननी चाहिए, देखो रेगुलर बन रही है, इसका मतलब ये माइनस है जो माइनस से बीप प्लस से बीप दे रहा है, और देखो ये माइनस है जो माइनस से बीप दे रहा है, ठीक है। यानी ये कैपेसिटर का माइनस है जो ब्रिज के माइनस से बीप देगा, और ये प्लस है ब्रिज का जो कैपेसिटर के प्लस से बीप देगा। अब देखिए आप यहाँ से होते हुए प्लस और प्लस से ड्रेन होते हुए सीधी बीप आ जाएगी, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये प्राइमरी से होते हुए अटैच है,
जैसा कि मैंने आपको बोर्ड का सर्किट में समझाया है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये वाली, जो जिसका गैप ज़्यादा होता है, तो ये आप प्राइमरी वाइंडिंग में आप देखेंगे कि ये यहाँ से देखो अटैचमेंट है और मॉस्फेट यहाँ पे आपका लगा हुआ है ये, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे जब स्विचिंग होगी, यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ और चेक करा देता हूँ, ये तो ड्रेन हो गया और ये यहाँ पे एक सोर्स होगा, देखिए ये सोर्स ग्राउंड होगा, ये देखना ही देखना है कि सोर्स ग्राउंड है या नहीं है। देखो एक रजिस्टर लगाए R270, यानी कोई कंपनी डायरेक्ट कर देती है, कोई कंपनी लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगा देती है। अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो जाता है तो आप यहाँ पे सीधा एक जंपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ग्राउंड से ओपन हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक जंपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो जंपर लगा सकते हैं आप आसानी से। और उसके बाद ये गेट है आपका, ठीक। अब गेट को देखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से गेट, यहाँ पे देखिए ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और गेट की जो है इससे कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि गेट ट्रांजिस्टर जो है आईसी से वो लगा हुआ जाएगा, ठीक है। और आईसी से लगा हुआ जाएगा, इधर भी घुमा दो इनकी तरह, इनकी तरह, ठीक है। और अब इधर ले आओ क्लास की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे समझ लो अच्छे से, इजीली आप रिपेयर कर लोगे। अब बात आती है फीडबैक की। देखो फीडबैक के लिए मैंने कहा था एक छोटा सा डायोड, एक कैपेसिटर लगा होगा जो लगभग यहाँ पे 12 से 16 वोल्ट होल्ड करके रखेगा, ठीक। वो ये लगा हुआ है और इसका जो डायोड है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप यहाँ आसानी से इसको ट्रेस आउट कर लोगे। क्यों? प्राइमरी की साइड ही ये कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। ये वाला कहाँ पे मिलेगा? प्राइमरी की साइड मिलेगा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आप इधर देखोगे, ठीक। और रिजल्ट में क्या देखोगे कि यहाँ से ये दो पिन है आपस में बीप देनी चाहिए, जो देंगी देंगी, ये दो पिन आपस में बीप देंगी। इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर से प्रॉपर अटैचमेंट में है। अब ये यहाँ से ये हो गया आपका बैकलाइट सेक्शन के लिए, और ये इस कनेक्टर पे हम देखेंगे तो ये आपकी 12 वोल्ट के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे बीप के साथ में दिखा दूंगा कि उसके पावर लगा के मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ऑप्टो कॉपलर कितने वोल्टेज ले रही है, कितने वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको पावर लगा के मैं दिखा देता हूँ। अभी आपने देख लिया बिना पावर के कैसे कंपोनेंट देखने हैं, कैसे चेक करना है। अब देख लेते हैं हम पावर लगा के। तो कुछ कर लिया ये चालू हो गया बोर्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड को क्या हुआ, एक्टिव हो चुका है। नीली लाइट आप देख सकते हैं जल रही है, ठीक है। और ये हमारे स्टूडेंट हैं जो नीली लाइट को जल देखते हुए काफ़ी अच्छे खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई बोर्ड चालू हो गया हमारा। चलिए अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस मॉस्फेट पे कैपेसिटर पे ट्रांसफार्मर पे कितनी और कहाँ कहाँ कैसे सप्लाई आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एसी चेक कराता हूँ। देखिए मैंने आपको दो तीन पॉइंट वहाँ पे थ्योरी में बताए थे, वही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ स्टार्टिंग इनपुट पे देखिए अब कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मीटर दिखाई दे थोड़ा सा, आप ये देखिए 220 वोल्टेज आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब एसी इन हो रहा है, बिल्कुल। अब सेकंड हमें क्या देखना है कि हाँ एसी ही देखना है, लेकिन कहाँ देखना है, जहाँ पे ब्रिज पे, ठीक है। ब्रिज यानी ये वाला पॉइंट डायोड वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, देखो एक पिन हमने यहाँ लगा दी और अभी हम देखते हैं। देखिए ब्रिज से पे क्या हो रहा है, हमारा 219-220 वोल्टेज आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम डीसी चेक करेंगे कैपेसिटर पर, 600 पे लगा दिया मैंने। ये बड़ा कैपेसिटर है जिसको MFC बोलते हैं, ठीक है, मेन फिल्टर कैपेसिटर। ये स्टोर करने का काम करेगा, फिल्टर करने का काम करने वाला है। तो चलिए हम इस पर दिखा देते हैं आपको, माइनस को माइनस के साथ में,
देखिए 302 वोल्टेज, ठीक है 302 वोल्टेज। अब ये 302 वोल्टेज जो आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं वो ब्रिज के बाद शो हो रहे हैं, ये ब्रिज के बाद शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लो, देख सकते हो कि एसी फिल्टर होके डीसी भी हो रही है और स्टोर भी हो रही है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर और मॉस्फेट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बात का पता लगाने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि हम एक बार स्विचिंग चेक कर लेंगे, ठीक। एक बार क्या चेक कर लेंगे, स्विचिंग। अब स्विचिंग से पहले मैं आपको गेट की भी पावर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ 2 वोल्ट पे लगा देता हूँ यहाँ, ठीक। और ग्राउंड को ग्राउंड से लगा लेते हैं, जो कि ग्राउंड आपका यहाँ पे है, या आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। लगभग 200 वोल्टेज पे करते हैं, देखते हैं कितने वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। देखो मिली 1 वोल्टेज से नीचे आ रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे हमने 22 का लगा दिया है। देखो 1 वोल्टेज से नीचे आ रहा है, आप देखोगे लगभग 165 पॉइंट, यानी 1 वोल्टेज से नीचे आ रहा है। जैसे हमने पहले बताया था कि 1 वोल्टेज या 1 वोल्टेज से डाउन रहेगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं स्विचिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहले तो एक सीधा आउटपुट देख लीजिए आप। आउटपुट में अगर आपको लग रहा है कि ठीक है सब कुछ सही है तो स्विचिंग देखने की जरूरत नहीं है। आउटपुट में मैंने आपको बताया था कि फीडबैक चेक कर लो एक बार ये, ठीक है। अब फीडबैक चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को थोड़ा सा पलटना पड़ेगा। तो बोर्ड को हम पलट लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे ये कैपेसिटर लगा है, देखो ये प्लस है ये माइनस है और लिखा भी है कायदे में। तो आप देखोगे यहाँ क्या आ रहा है, 20 पे लगा लेते हैं, 15-16 वोल्टेज, जो वो 12 से 16 बताया था आपको, 12 से 16 वोल्टेज रहेंगे। एक बार और देख लीजिए, अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो समझ लो आपको मॉस्फेट पर छेड़ने की जरूरत नहीं है, वरना कई बार गलती से मॉस्फेट काम करता हुआ फूक जाता है ज्यादा छेड़छाड़ करने से। तो इस बात का मैं आपको सावधानी के साथ साथ कहाँ चेक करना है वो भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको करना है आउटपुट चेक, आउटपुट कहाँ आएगा, इन दोनों पे। अब देखो यहाँ पे आप हाथ रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हाथ रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इधर थोड़ा सा ध्यान देना है, 4-6 कंपोनेंट पे आपको हाथ नहीं लगाना है। तो ये चीजें हो गई। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, देखो यहाँ पे बड़ा डायोड लगा हुआ है और ये जैसे कि हमने देखा था कि 28 वोल्टेज के आसपास रहना चाहिए इसके आसपास, तो देखेंगे यहाँ पे 24-25 वोल्टेज हैं, ठीक है। तो आपको 28-24 जैसे मैंने वीडियो में बताया है, 32 ये बैकलाइट जलाने के लिए चाहिए। आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। अब आपको 12 वोल्टेज भी चाहिए जो बोर्ड को चला रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड पे लगा देंगे और ये आप देखेंगे 12 वोल्टेज बोर्ड को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये वोल्टेज अगर आ रहे हैं आपके तो समझ लो आपका इधर का पूरा एरिया काम इस वोल्टेज से कर पाएगा। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करने, अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहे हैं तब आपको यहाँ पे स्विचिंग चेक करनी है, ठीक है। और आपको खराब होगा तो क्या चेक कर चेंज करना है, सबसे ज्यादा फूकता है आपका मॉस्फेट और दूसरे नंबर पे फूकती है इसकी आईसी, ठीक है। तो ये दो पे आपको विशेष ध्यान देना है। और फीडबैक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो मैंने आपको ये दिखाई दिया, यहाँ पे आप देख लीजिए फीडबैक, ये ऑप्टोकॉपलर आईसी लगी हुई है जो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करती है। देखो यहाँ पे एक 9 वोल्टेज है जो कि ये ट्रांजिस्टर के द्वारा आ रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे आप 10 वोल्टेज है, मतलब ये 12 वोल्टेज का ही फीडबैक जा रहा है, एक पे थोड़ा कम होके जा रहा है और एक पे थोड़ा सा और कम होके जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे, अगर आपको सप्लाई से ही मतलब है, सप्लाई रिपेयर करनी है तो आप इतना सफिशियंट है, आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। पुश कर देना, हाँ देख चल। तो आपको मैं यहाँ पे ना वोल्टेज की एक एक्यूरेसी और चेक करके दिखा देता हूँ। एक्यूरेसी का मतलब है अगर यहाँ पे वोल्टेज 12 बन रहे हैं तो वोल्टेज कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रहा, वोल्टेज अगर 18, 28 या 22 बन रहे हैं तो कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रहे हैं। ड्रॉप का मतलब है वोल्टेज बने और बीच में लैग कर रहे हैं, यानी कभी कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा हो रहे हैं,
लेकिन मीटर पे एक्यूरेट दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप टीवी पे चालू कर रहे हो, बोर्ड नहीं दिखा रहा, बोर्ड चालू ही नहीं कर रहे वोल्टेज, तो वो चीज़ आपको कैसे देखनी है। तो देखो इसकी पूरी सेटिंग्स की वीडियो मैंने काफ़ी डाल रखी है और आप इसमें अच्छे से वहाँ पर सीख सकते हो पहले सेटिंग कैसे करना है। और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर 5 वोल्टेज पर लगा रखा है और 12 वोल्टेज में सबसे पहले आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो इसमें एक कॉलम 5 का है तो 5 10 यानी कि ये 2 कॉलम से थोड़ा सा ऊपर ये जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जाता या नहीं जाता, डाउन नहीं होना चाहिए, रेगुलर ऊपर ही टच रहना जरूरी है इसका, अगर एक्यूरेट वोल्टेज बन रहे हैं तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 12 से 13 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है रेगुलर कोई। और सबसे बड़ी बात क्या है, डीसी वोल्टेज सीधा चलता है, एसी वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है, लेकिन डीसी आप देख सकते हो, आपने मीटर पे देखा होगा कि डीसी की सीधी